जो आप पानी का फव्वारा देख रहे हैं ये कोई पार्क का फव्वारा नहीं है, बल्कि यह जोणाजी रोड पर नगर परिषद की बड़ी पाइप लाइन फटने की वजह से व्यर्थ होता पानी है। ये व्यर्थ होता पानी आसपास रह रहे लोगों का परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि पाइप से निकलता पानी इतनी प्रेशर से निकला है कि वह साथ लगते घरों और करीब 4 दुकानों में घुस गया। पीड़ित दुकानदार और मकान मालिक नगर परिषद को सुबह से ही शिकायत करते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक भी ना सुनी। सभी दुकानदारों ने दुकानों में से बाल्टियां भर भर कर पानी निकालते रहे और करीबन 3-4 घंटे बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचे, तब तक सभी दुकानदारों का लाखों का नुकसान हो चुका था। पीड़ित लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि नगर परिषद पिछले काफी दिनों से इस पाइप को रिपेयर कर रही थी, जिसके चलते सड़क में एक बड़ा खड्डा भी हुआ था, जिसमें कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो चुके थे। पहले तो इस पाइप से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, लेकिन आज इतना ज्यादा पानी आया कि करीबन 35 फुट ऊंची पानी की धार बहने लगी और सारा पानी उनकी दुकानों और मकान में घुस गया, जिसकी वजह से उनका लाखों का नुकसान हो गया। अब वो चाहते हैं कि इन लापरवाह अधिकारियों की वजह से उनका जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करें। मकान के आगे मेन लाइन फटी हुई, जिसकी मैंने 15 दिन पहले एप्लीकेशन दी थी, ये लाइन खराब है तो खड्डा खोद गए। अब 15 दिन से इसमें पानी था, आज सवेरे पानी छड़ा तो पानी छड़ने से सारा मकान मतलब 30 फुट तक पानी ऊपर गया, जिससे मेरा मकान डैमेज हो गया हुआ। प्लीज़ जो भी मेरी तोड़ फोड़ हुई, जो भी मेरा नुकसान है, उसकी भरपाई की जाए। ये जो पानी है पाइप की लीकेज होती है यहाँ पे, और हर साल के साल यहाँ पे कभी बरसात का पानी आता है, और ये पाइप आज फटी है, इसके कारण दुकानों में शॉप में पानी बहुत ज़्यादा गया और नुकसान हुआ है, और बाल्टियों से हम पानी निकाल रहे हैं। यहाँ पे कोई कर्मचारी कोई भी नहीं आया पहुँचे टाइम पे, अभी तक तो कोई पहुँचा ही नहीं है, और यहाँ पे हम लोग बहुत परेशान हैं। डेली नीड्स की एक शॉप चलाती हूँ, और आज 5:30 बजे जब मैं यहाँ पे आई तो इसमें कम से कम 4-4 फुट पानी भरा हुआ था मेरी शॉप में, और मेरा सारा सामान आटा चावल चीनी वगैरह सारा खराब हो गया है, और यहाँ तक कि मेरे फ्रिज के अंदर भी पानी गया हुआ है और मेरा फ्रिज भी सारा खराब हो गया है। मेन लाइन थी वो काफी दिन से खराब पड़ी हुई थी, और इसमें वो फट आज जब पीछे से पानी छोड़ा तो इसको उसका फ्लो काफी ऊपर गया, और जिससे कि हमारी सारी दुकानों में अंदर पानी भर गया। हमारा ये प्रशासन से ये मांग करती है कि जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसकी हमारी भरपाई करे। देखा कि जो मेन लाइन की जो मेन लाइन जा रही थी पानी की, उसमें इतना 8-10 फुट तक पानी जो है ऊपर तक चला गया, बिल्डिंग के ऊपर चला गया,